मुकेश, और अभी मैं मौजूद हूँ परसदेपुर क्षेत्र में। अभी आपको मैंने दिखाया यहाँ के क्षेत्र के बारे में, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। अभी हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक हैं अशोक कोरी जी, जो कि सलवन विधानसभा से विधायक हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और जबकि अभी यहाँ पे प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है। तो विधायक जी, क्या लगता है इस बार इस क्षेत्र से कैसा माहौल रहेगा? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। अभी पिछली पंचवर्षीय में भाजपा सरकार ने यहाँ पे बहुत सारे नए काम किए हैं, और मैंने विधायक बनने के बाद माननीय नगर विकास मंत्री जी से लगभग 6.5 करोड़ के विकास के काम यहाँ पास करवाए हैं, जिनके भी काम कुछ निर्माणाधीन है और कुछ होने वाले हैं, आगे भी इस चुनाव के बाद होंगे। तो इस नाते जनता में बहुत उत्साह भी है योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को लेकर के इस चुनाव में, और हमारे इस पूरे टाउन में हमारे जितने भी वरिष्ठ समाजसेवी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। हम यहाँ पे कमल के फूल के प्रत्याशी को जिता करके चेयरमैन बना करके भेजेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर विधायक जी ये बनता है कि भाजपा से जो कई और लोगों ने दावेदारी की थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूर्व चेयरमैन रहा है उनको टिकट इस बार नहीं दिया गया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहा है दो प्रत्याशियों के बीच में, एक निर्दलीय है और एक भाजपा के प्रत्याशी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना नहीं, हम लोग भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम तो भाजपा के प्रत्याशी की बात करेंगे, भाजपा सरकार की नीतियों की बात करेंगे, भाजपा सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की बात करेंगे, और उन्हीं नीतियों को, उन्हीं कराए गए कामों को, विकास के काम को, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग हैं, और निश्चित रूप से हम लोग भाजपा का ही चेयरमैन यहाँ से जिताएंगे, फिर से एक बार भाजपा की यहाँ पर जीत होगी। और एक लास्ट में सवाल एक और पूछूंगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला के द्वारा, ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ उनके ऊपर धमकी दिया गया है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे किसी आरोप की फिलहाल तो किसी महिला के किसी आरोप की जानकारी हम लोगों को नहीं है। चलिए, तो ये थे अशोक कोरी जी, विधायक जी, जिनका कहना है कि सभी लोग जो भी इस क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी है, पूरा जनसैलाब जो भी जितने लोग हैं सभी भाजपा का सपोर्ट करेंगे, और जो भी और भी कैंडिडेट हैं फिलहाल भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इस समय ओम प्रकाश मौर्य जी के साथ में हैं। मैं मुकेश, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।